इतने दिन बाद दोषियों लोग को सजा दी जा रही है, जो कि बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी, और अभी जाकर सजा मिल रही है उन लोगों इसका को। मतलब कि लोग में मेंटेलिटी है कि लड़की कमजोर होती है तभी तो उसको सशक्त बनाना है। लड़कियां कमजोर नहीं है, उसको सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है। आप लड़कों को भी समझा सकते हैं ना, एज कम्पेयर टू इनकाउंटर, फांसी इज नॉट गुड, इनकाउंटर इज बेस्ट चीज़ है। कि 18 साल से नीचे वाले को छोड़ दो, या फिर ये बहुत बेकार चीज़ है। जो रेप करने के लिए जो इंसान सही है, उसको इतना दिमाग है, उसको सज़ा भी डेफिनेटली होना चाहिए। वो किए थे, जो भी गंदा हरकत किए थे, तो उन्हें तभी ही सज़ा दे देनी चाहिए थी, फांसी की सज़ा। अभी क्यों, इतने साल क्यों लगे? इतने साल उनका जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। नमस्कार, मैं जनबोल न्यूज़ के लिए सऊद आलम। निर्भया रेप केसेस के दोषियों को फांसी की सज़ा 22 जनवरी को मुकर्रर की गई है। 22 जनवरी की सुबह 7 बजे उनके निर्भया रेप केसेस के दोषियों को फांसी होगी। इसी मसले पर पटना की लड़कियां क्या सोच रही हैं, उनका क्या कहना है, आइए पटना की लड़कियों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मसले पर वो क्या कह रही हैं। एक तरफ यहाँ बिहार और पटना में आए दिन रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ निर्भया रेप केसेस के दोषियों को फांसी हो रही है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कह रही हैं पटना की छात्राएं, पटना की लड़कियां। बोल रहे हैं तो निर्भया कांड को लेकर क्या बोले? इतने दिन बाद दोषियों लोगों को सजा दी जा रही है, जो कि बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी, और अभी जाकर सजा मिल रही है उन लोगों को, जो कि बहुत पहले ही मिलने चाहिए थे। और अभी ये सब और उसके बाद तो बहुत सारे मतलब हुए हैं, और भी कांड हुए हैं बहुत सारे, जिनका अभी कुछ अता पता नहीं है। और जहाँ तक की बात है सजा की, तो देखिए अभी क्या होता है। सेफ़ तो लड़की लोग नहीं हैं पटना में, अभी बिल्कुल भी नहीं है। रात में भी लड़की लोग अच्छे से नहीं जा सकती है अकेले, साथ में पेरेंट्स को लेकर जाना पड़ता है। सबसे पहले तो इस मसले का ये है कि जो जस्टिस किया है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये दोषियों को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है, और इससे अच्छा कोई सज़ा नहीं हो सकता है कि उसको मौत का ये सज़ा मिले। क्योंकि एक बार अगर आप छोड़ देते हैं तो दूसरे वाले के मन में ये हो जाता है कि छोड़ो ना, बहुत बहुत अब कर ही दिए हैं तो कर दिए हैं, अब 2-4 साल का सज़ा मिलेगा, 10 साल का, उसके बाद फिर तो फ्री हो ही जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना, और फांसी होना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये हुआ कि 7 साल बाद मिलना, मतलब 7 साल में किसी का मतलब कुछ भी, एक जनरेशन गैप हो जाता है, तो ये 7 साल नहीं होना चाहिए था, इस गैप थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे हुआ, अगर प्रूफ हो गया है तो आप तुरंत उसको कुछ कर दीजिए ना, उसको गोली मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये सब कानून आना चाहिए। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ही हो रहा है, लेकिन सही हो रहा है, बट ये जो धीरे धीरे हो रहा है ना, इसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। धीरे धीरे नहीं होना चाहिए, इसको एकदम क्विक रिजल्ट देना चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ करते हैं, हम लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो तुरंत रिजल्ट आता है, तो फिर वो इतना घिनौना काम कर रहा है, तो फिर उसके लिए तुरंत क्यों नहीं किया जा सक रहा है? तुरंत किया जाना चाहिए, ये इतना इतना दिनों का गैप नहीं होना चाहिए। सरकार से ज़्यादा तो मेरा कुछ नहीं है, बस यही कि जो ये जस्टिस में डिनाइल होता है, इतना दिन का नहीं होना चाहिए। और सरकार, वैसे तो लड़कियां को लोग मानते हैं कि लड़कियां को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, इसका मतलब कि लोग में मेंटेलिटी है कि लड़की कमज़ोर होती है तभी तो उसको सशक्त बनाना है। लड़कियां कमज़ोर नहीं है, उसको सशक्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लड़कों को भी समझा सकते हैं ना कि तुम्हारी माँ है, बहन है, थोड़ा उनका ध्यान में रखो। आप लड़की को ही क्यों समझाते हैं कि आप लड़की हो, आपको ध्यान में रखना है, आप ये मत पहनो, आप वो मत पहनो, आप यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। लड़कों को भी तो समझा सकते हैं ना कि वो तुम्हारी ये कुछ लगती है, बहन है, माँ है, उसका एक नज़रिया होता है देखने का, आप अपने नज़रिए से देखिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को ही बोला जाए, आप लड़कों को बोलिए। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी कमज़ोर थी कब जो आप उसको सशक्त कीजिएगा? नारी तो कभी कमज़ोर नहीं थी। हैदराबाद में जो घटना सामने आई थी, उसके आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया गया, बहुत अच्छा था, वो तुरंत किया गया। इस घटना से मतलब सच में दिल को सुकून मिला था। वैसे तो इस पे हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, इसको लेकर के हम पूरा ये नहीं खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ सही है। मेरे अनुसार अगर इनकाउंटर कर दिया गया है तो ये फांसी से थोड़ा ज़्यादा ये सही
हो सकता है, लेकिन एक ये पे गलत भी हो सकता है क्योंकि जितने लोग को इनकाउंटर किया गया है उसके ये अलावा भी और भी हो सकते थे। अगर उसका उस पर जाँच पड़ताल होता तो और भी बहुत सारे लोग हो सकते थे, लेकिन इनकाउंटर कर दिया गया तो वो लोग भी बच सकते थे। लेकिन एक ये डर का माहौल हुआ ना कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमको तुरंत ये मार दिया जाएगा, ये डर होना बहुत ज़रूरी है लड़कों में। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़ी बात कि 6-7 साल हो गए अब, 16 दिसंबर 2012 को ये कांड हुआ था, इतने सालों के बाद फांसी मिल रही है। एक तो बहुत अफसोस भी लग रहा है कि वो फांसी उसी वक्त उन लोगों को मिल जानी चाहिए जो कि, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए हम तो ये बोलेंगे, फांसी मिल रही है आज तो पटाखे फोड़नी चाहिए हमें इस खुशी के लिए, क्योंकि बहुत 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 खुशी मिल रही है कि आखिरकार जो सरकार ने फैसला लिया 22 जनवरी को जो फांसी मिल रही है, हम लोग बहुत खुश हैं। चाह रहे हैं कि अगर कोई भी हो रेप, जो भी रेप मतलब लाइक अभी पटना में भी हो रहा है, कल ही का रिसेंट का न्यूज़ है, हम चाह रहे हैं कि उसको भी फांसी ही मिले जैसे निर्भया के केस में हुआ है। बस बहुत खुशी हो रही है ऑब्वियसली। इससे लोगों को सीखना चाहिए, फांसी की सजा दे तो रहा है सरकार लेकिन इससे कम नहीं हो रही है, जो भी मतलब रेप बढ़े जा रहे हैं और हो ही रहा है, तो करप्शन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए कुछ और स्टेप्स लेना चाहिए सरकार को, स्टेप्स लाइक अवेयरनेस। देखिए ऐसा कुछ ये नहीं होता ना कि रेप वो लोग करते हैं जो अनएडुकेटेड होते हैं, रेप एडुकेटेड लोग भी करते हैं, तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है लोगों में जाकर किसी भी माध्यम से, अवेयरनेस कि लोग ये सब चीज़ ना करें, इसके करने के बाद क्या हो सकता है, तो अवेयरनेस इज़ अ मोड ऑफ लाइक कि हम लोग अवेयर करें लोगों को कि ये करना सही नहीं, ये क्या करना गलत है। नहीं एक्चुअली एज कम्पेयर टू इनकाउंटर फांसी इज़ नॉट गुड, इनकाउंटर इज़ बेस्ट, बिकॉज आई थिंक कि इनकाउंटर अगर करते हैं तो ये जो करप्शन बढ़ रहा है ये कम होगा अकॉर्डिंग टू मी। अब फांसी जब लाइक कि आप वेट कर रहे हो 6-7 साल के बाद आप फांसी चढ़ा रहे हो किसी को, तो फिर आई डोंट थिंक आप मारो उसको वहीं पर गोली, डैट इज़ गुड ऑप्शन। थैंक यू। वैसे तो ये बहुत लेट ही हो रहा है, ये 7 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, बट अभी फाइनली हो रहा है तो बहुत सही हो रहा है और अच्छा हो रहा है। अभी ये एक रेपिस्ट लोग के लिए एक तरह से मिसाल होगा कि रेप कितना बड़ा क्राइम है, और सिर्फ रेप ही क्यों, जो फिज़िकल हैरेसमेंट और जो भी मोलेस्टेशन होता है वो भी बहुत बड़ा क्राइम है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को एक स्पेशल बनाना चाहिए ताकि ये भी कम हो सके। बिहार में भी पटना में बीएन कॉलेज वाला जो केस हुआ था, और फिर ये जो मोलेस्टेशन ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल हर एज की लड़की, आप देख लीजिए ऑटो बस हर जगह ही होता है, ऐसी ही कोई लड़की होगी जिसको इससे नहीं गुजरना पड़ा होगा हैरेसमेंट, तो अभी शायद इसको लेके पॉजिटिवली शायद देखा जाए कि हाँ अब शायद जो भी ऐसा सोचते हैं वो थोड़ा सा उनको डर बैठे मन में कि हाँ अब फांसी हो सकता है। फिर भी ये चीज़ को थोड़ा जल्दी करना चाहिए, जो भी ऐसा जो केस होता है इसको थोड़ा जल्दी टैकल करना चाहिए, 7 साल काफ़ी लंबा टाइम है तो थोड़ा जल्दी इसको देखना चाहिए। इसको लेकर ना नॉर्मल जो ये एक तो ये जो माइनर वाला जो चीज़ है कि 18 साल से नीचे वाले को छोड़ दो, या फिर ये बहुत बेकार चीज़ है, जो रेप करने के लिए जो इंसान सही है उसको इतना दिमाग है उसको सज़ा भी डेफिनेटली होना चाहिए, वो बहुत ये इस चीज़ का स्टैंड लेना बहुत डेफिनेट है। और फिर देखा जाए तो पुलिस और ये सब, एक तो पुलिस जो चीज़ है लोग उससे सेफ नहीं फील करते, पहले बात कोई भी जाने से पहले सोचता है अरे जाके लफड़े में कौन पड़ेगा, और इसलिए पुलिस को भी थोड़ा पॉजिटिव वे में लड़कियों को देख करना चाहिए। नहीं एक जैसे पुलिस भी जो नॉर्मल हमारे ऑब्वियस सोसाइटी में रहता है उनका जो होता है कि अगर कुछ है तो लड़की का ही कुछ फॉल्ट होगा ऑब्वियस ड्रेसिंग सेंस या कुछ, तो वो चीज़ थोड़ा मेंटालिटी चेंज करने का बहुत ज़रूरत है सोसाइटी को भी, एज अ सोसाइटी हम लोग को चेंज करने का ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियस बात है पुलिस कोई अलग ग्रह से तो आ नहीं रहे, आप और हम ही लोग हैं, तो वो चेंज करना बहुत डेफिनेट है कि उनको भी एक तरह से देखा जाए एक वर्कशॉप टाइप का ज़रूर कंडक्ट कराना चाहिए कि लड़कियों से बात कैसे करें, अगर जैसे हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कि मेरे को इधर टच हुआ उधर टच हुआ, तो उनको किस तरीके से एक से चाहे वो मेल पुलिस ऑफिसर्स ही क्यों ना हो किस तरीके से लड़की से प्रॉपरली बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप जिस तरह से कोर्ट में आप जाइए आप लड़की से कोई भी वकील बात करता है मेरे को कहाँ टच किया क्यों टच किया ये बहुत गलत बात है, वो एक तरह से आप दूसरी बार उसको रेप कर रहे हैं, आप उसको उस एरा में ले जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ रेप हुआ, तो एक प्रॉपर वे में बात करना और सही तरीके से बात करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियस मेंटालिटी आप मगन महिला ही देखिए 2 साल पहले जीन्स पे बैन लगा दिया गया, जीन्स में मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम है, पूरा बॉडी ढका होता है,
कपड़े में दिक्कत नहीं होता, आप किस तरीके से लड़की को देख रहे हैं उसमें दिक्कत। अब एक बात भाई, ये 2 साल के बच्चे की रेप हो रही है, वो क्या कपड़े पहने, अब उसको साड़ी पहना कर तो ऑब्वियसली घुमा नहीं सकते ना, तो कपड़ा का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में चल जाइए, वहाँ पे कोई भी किस तरीके से कपड़े पहने, सामने वाले बंदे को कोई मतलब ही नहीं होता वो क्या पहन कर रखी है, उसको कोई इशू नहीं है। तो वो वहाँ का मैंटेलिटी है और यहाँ का मैंटेलिटी ये है कि आप कुछ भी पहनो, जीन्स पहनो तो आप सही नहीं है, आप सूट पहनो तो ही आप प्रॉपर सही सभ्यता नारी हैं। तो ये बहुत ही निर्भया, ये तो निर्भया जिस 2012 में जो हाइप क्रिएट हुआ इस वजह से निर्भया बाहर आई। अभी कितने रेप होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते, चुप करा दिया जाता है कि मत बोलो बेइज्जती होगा, या फिर तो ऐसा बहुत सारा केस होता है। आप देखिए ऐसे तो अगर निर्भया के वक्त ही एक्शन लिया गया होता तो जो हैदराबाद का जो कांड था, जो बीएन कॉलेज का होता, वो ऑब्वियस बात है डर बैठता। पहले बात लोग में डर तो है नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं। आप अभी रोड पर ही चल के आ रही थी, एक बंदे ने कमेंट कर दिया आपने भी, तो डर तो है नहीं, डेफिनेट सा बात है, कोई डर नहीं है। तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है निर्भया 7 साल के बाद हो रहा है, सही है, होना चाहिए, बट इसको काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। फांसी की सज़ा मिल, मतलब हर चीज़ एक लॉ और ऑर्डर से होना चाहिए, पर अगर लॉ और ऑर्डर से होता तो आप देख सकते हैं 8 साल 10 साल का वेट। आप अब वो हैदराबाद वाले को देखा जाए तो बहुत सारे ये सुनने में आ रहा है कि अरे वो अभी तक तो साबित ही नहीं हुआ कि वो विक्टिम है, मतलब वो लोग रेपिस्ट है कि नहीं है, प्रॉपर कोर्ट में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। पर आप देख लीजिए अगर वो वेट करते तो 10 साल अभी उसके पेरेंट्स को भी वेट करना होता, 10 साल वेट करना होता, और फिर वही निर्भया की तरह 7 साल 8 साल वेट करना होता। मेरा तो यही कहना है, जैसे कि 22 जनवरी को उनको फांसी की सज़ा दी जा रही है, अगर यही फांसी की सज़ा देनी ही थी तो 7 साल पहले जो वो जो भी वो किए थे, जो भी गंदा हरकत किए थे, तो उन्हें तभी ही सज़ा दे देनी चाहिए थी फांसी की सज़ा। अभी क्यों, इतने साल क्यों लगे, इतने साल उनका जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, यही कहना है मेरा। हैदराबाद की जो घटना सामने आई थी उसमें देखा गया था कि उन लोगों का एनकाउंटर किया गया था, वो क्या सही था और ये जो हो रहा है ये सही है, आप किसको सही मानती हैं? मैं दोनों में से किसी को सही नहीं मानती हूँ, बिकॉज दोनों में ही दरिंदगी का वो लोग हद पार कर दिए हैं। उसमें जो है सो लड़की के साथ रेप करके उसके बाद उनको जला दिए, उसके बाद उनको क्या मिला, उनको आसान मौत मिल गया, जो कि इतना आसानी मौत देना नहीं चाहिए। जैसा जैसे को तैसा, जैसा उन्होंने किया वैसा ही उनके साथ भी होना चाहिए, ताकि जो है सो आगे आने वाले लोग इसके बारे में सोच के भी रूह कांप जाए उनका, ऐसा होना चाहिए। रही बात ये निर्भया हत्याकांड में, निर्भया हत्याकांड में भी यही चीज़ हुआ, 7 साल पहले भी वो लोग इतना दरिंदगी वाला हद पार कर दिए, और 7 साल के बाद उन्हें 7 साल जीने का उन्हें कोई हक नहीं दी बनता है, उन्हें 7 साल का सजा, मतलब कि उससे पहले ही अगर यही सजा देना था, फांसी का सजा ही देना था तो 7 साल पहले देना था चाहिए था ना। अभी क्यों, जब इतना साल रुके तो कुछ सोच समझ के रोके होंगे, लेकिन फिर भी फांसी की सजा दी, ये तो आसान सजा है। बीएन कॉलेज में भी आप लोग पटना की लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, पटना विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हैं, बीएन कॉलेज में भी कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आई थी, इसमें अभी तक कुछ नहीं किया गया है, देखा जाए तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। तो बिहार में एक तरफ देखा जा रहा है कि रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कल पटना PNM मॉल है ना, उसमें रेप की घटनाएं सामने आई हैं, तो एक तरफ तो बिहार में थम नहीं रहा है। मैं कहना चाह रही हूँ जो सज़ा दी जा रही है आरोपी लोग को, वो सज़ा सही नहीं है, उनके लिए कठोर से कठोर सज़ा होना चाहिए। ये तो आसान मौत दे रहे हैं, फांसी की सज़ा है, एक बार गए फंदे पे चढ़ गए, उन्हें कुछ आसान मौत मिल गया, एनकाउंटर कर दिया गया, आसान मौत मिल गया, उन्हें ऐसी सज़ा मिलना चाहिए जो पूरा देश कांप उठे, ताकि कोई आगे आरोपी आने वाले भी हों तो वो ये सोच कर डर जाए जो नहीं ऐसा सज़ा मिलने वाला है मुझे, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो जैसे आपने बोला हैदराबाद केस में उन्होंने रेप करके जला दिया, उनको भी जो है सो जलाना चाहिए, बीच चौराहे पे ले जाके कहीं पे जलाना चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जो है सो अगर ऐसी सज़ा दी जाएगी तभी तो लोग, जो भी लोग आरोपी हैं वो सोचेंगे समझेंगे जो हाँ ऐसी सज़ा मिलती है, उनका भी रुख कांप जाएगा। भले ही मानते हैं वो पढ़े लिखे, कई बार होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बीएन कॉलेज वाला केस में तो दोनों ही पढ़े लिखे हैं, लड़की का दोस्त क्या है, लड़का का दोस्त, मैं पूरा प्रॉपर वे में नहीं जानती हूँ, बट मैं इतना जानती हूँ जो हाँ रेप हो रहा है, बिहार में रेप हो रहा है, हर जगह रेप हो रहा है, इंडिया के हर एक स्टेट में रेप हो रहा है, ये क्यों? लड़कियाँ जब उतर आएंगी, जब लड़के को रेप करने के लिए, तब क्या होगा? अभी तो लड़कियां का रेप हो रहा है, जब लड़के का होने शुरू होगा तब क्या होगा? ये चीज़ मेरा कहना है। इसलिए सज़ा सही तरीके का होना चाहिए, फांसी, एनकाउंटर, ये सब बहुत आसान सज़ा है, मिलना चाहिए उन्हें उस हिसाब से मिलना चाहिए जो हाँ क्या उन्होंने गलती की है, उस गलती का क्या सज़ा है,
ये चीज़ होना चाहिए। हम लोग रावण को कहते हैं, जो रावण को जो है सो जलाते हैं हर साल, जबकि रावण तो कुछ किए ही नहीं थे, वो तो सीता मैया को लेकर गए थे और उन्हें बहुत पवित्र तरीके से रखे थे, उनके बिना परमिशन के उन्हें छुए तक नहीं। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम लोग, आज के तो रावण ये आरोपी हैं, रेप करने वाले लोग सब हैं, कभी आँखों से बलात्कार करते हैं तो कभी मतलब कि बॉडी को छू कर करते हैं, कभी सीधे तौर पर करते हैं। मेरा यही कहना है जो सज़ा सही रूप से होना चाहिए, सज़ा सही मिलना चाहिए, हाँ तुरंत मिलना चाहिए। अगर आप फांसी की सजा दे रहे हो तो तुरंत दो ना, ये 7 साल तो उन्हें जीने का हक मिल गया, तब तक में तो लोग भूल भी जाते हैं। सच पूछिएगा तो अभी इंडिया में आधा से ज़्यादा आबादी भूल गई होगी जो निर्भया कौन थी। हम लोग तो पढ़ते लिखते हैं तो आए दिन न्यूज से अपडेट रहते हैं तो हम, मुझे पता है, बट और सब लोगों को तो देखिए, अभी जाके आप सब्जी वाले से पूछ लीजिए, शायद उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन अगर तुरंत अगर दी जाए तो तुरंत उन्हें मालूम होता है। अभी तो आधे से ज़्यादा लोग भूल गए होंगे जो निर्भया थी कौन, उनके साथ हुआ क्या था, यही है। मैं बोलना चाहूँगी कि कोई भी अगर होता है ऐसा कांड तो लीगल प्रोविज़न होना चाहिए। जैसे हम लोग बीजेपी की सरकार अभी जैसे अभी बहुमत में है तो तुरंत देखते 10% आरक्षण लागू हो गया, या फिर जम्मू कश्मीर जो इतने सालों से अभी तक आज़ाद नहीं हुआ था तुरंत आज़ाद हो गया, मतलब हम लोग के फेवर में आ गया, हम लोग के कंट्री में शामिल हो गया। तो ऐसा है कि अगर लीगल प्रोविज़न होना चाहिए रेप के कांड में भी, क्योंकि ईजिली ला सकती है, बहुमत में है सरकार, तो ऐसा कुछ लाए जिससे ये जो जड़ है इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। रेप जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है हम लोग के कंट्री में, इतना बड़ा इशू नहीं कि रेप को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब बीजेपी की सरकार बहुमत में है तो ऐसा कोई लीगल प्रोविज़न लाए, इतना जैसे इन्होंने कहा इतना डिले हो रहा है, फांसी की सज़ा मिल रही है या फिर एनकाउंटर हो जा रहा है, ये सब कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है। एनकाउंटर भी मैं सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि बहुत हद तक ये गलत है, क्योंकि उसमें कुछ लीगलिटी है नहीं। हम लोग जैसे आगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो हम लोग को कोई भी चीज़ लीगली करना चाहिए, एनकाउंटर भी लीगल नहीं हुआ, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ लीगल होना चाहिए और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इतने सालों के बाद जो सज़ा मिल रही है क्या ये सही है, या तत्काल सज़ा देनी चाहिए या और कुछ करना चाहिए? बिल्कुल तत्काल देनी चाहिए, और इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि लीगल कोई भी चीज़ लाए, ऐसा कानून पारित हो जो तुरंत इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए और बहुत सही हो, मतलब तुरंत हो जाए, और वैसा टिट फॉर टैट जैसे होना चाहिए, जैसे अगर फांसी दे के लड़की का कुछ किया जा रहा है या फिर गोली मारा जा रहा है तो टिट फॉर टैट वैसा होना चाहिए उसको, आरोपी को भी, जैसे हैदराबाद में अभी हुआ वैसे ही सेम, जैसे एनकाउंटर उसको कर दिया गया, वो सही नहीं था, उसको भी वैसे ही तड़पा के मारना चाहिए, या फिर कोई ऐसी सज़ा दर्दनाक मौत देनी चाहिए जिसमें बाकी लोगों को भी देख के कांप उठे कि क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सुना कि पटना की छात्राएं इस मसले को लेकर के क्या कह रही हैं, क्या सोच रही हैं। आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ की छात्राएं जो हैं आए दिन पटना और बिहार में रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या क्या कह रही हैं। हैदराबाद में भी जो घटना सामने आई थी उनको लेकर के भी आपने सुना। फांसी की सज़ा जो 22 जनवरी को होनी है, इसको लेकर उनका सीधे और साफ तौर पर कहना है कि इतने दिनों के बाद फांसी की सज़ा हो रही है, जो सरकार को और कोर्ट को भी चाहिए कि तत्काल फांसी हो, अगर तत्काल इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं तो तत्काल उसका परिणाम भी सामने आना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।